सब्सक्राइब करिए एसआर मोटू वर्ल्ड चैनल को और बेल आइकन भी दबाइए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएं। अगर आप मेरी इंस्टाग्राम स्टोरीज देखते होंगे तो उस पर तो मैंने एक अपडेट करा था कि इरिडियम स्पार्क प्लग मैंने लिया है। तो उस पर अपडेट करने के बाद बहुत से लोगों का क्वेश्चन आया कि इस पर एक वीडियो बनाई जाए। वीडियो मुझे बनानी थी लेकिन मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था कि गाड़ी थोड़ी सी चल जाए, उस पर मुझे थोड़ा एक एक्सपीरियंस मिल जाए कि क्या प्रोज एंड कॉन्स लगे मुझे उसके। तो आज मैं आपसे इरिडियम स्पार्क प्लग के बारे में बात करने वाला हूँ। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं सामोटो वर्ल्ड और फिर मैं आया हूँ एक नई वीडियो के साथ और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो इरिडियम स्पार्क प्लग मैंने अपनी यामाहा एफजी में फिट करा है और उसके बाद कुछ चीज़ें मैंने इसमें ऑब्जर्व करी और नोटिस करी। सबसे पहले एक स्पार्क प्लग पे एक छोटा सा क्विक रिव्यू लेते हैं कि स्पार्क प्लग होता क्या है। स्पार्क प्लग का काम ये रहता है आपका कि वो फ्यूल को इग्नाइट करता है, यानी कि पेट्रोल जो इंजन के अंदर जा रहा है वो उसको जलाता है। अगर स्पार्क प्लग सही ढंग से नहीं जलाएगा तो फिर प्रॉब्लम आने लगती है, इंजन नॉकिंग करने लगता है, माइलेज कम आता है, परफॉर्मेंस कम आता है, बहुत सी चीज़ें जो है इंजन पर अफेक्ट डालती हैं। तो कन्वेंशनली जो अपन स्पार्क प्लग्स यूज़ करते हैं, जो कंपनी फैक्ट्री फिटेड स्पार्क प्लग्स आते हैं, वो कॉपर के बने रहते हैं। तो उसमें जो है स्पार्क प्लग गैप जो है वो 10 से 12,000 किलोमीटर में बिगड़ जाता है, जिससे परफॉर्मेंस, माइलेज, हर चीज़ जो है बिगड़ जाती है। और स्पार्क प्लग कंपनी इंटरवल भी देती है 10 से 12,000 किलोमीटर तक वो चल सकता है। उसके ऊपर आते हैं प्लैटिनम स्पार्क प्लग्स। प्लैटिनम स्पार्क प्लग्स के ऊपर आते हैं इरिडियम स्पार्क प्लग। इरिडियम स्पार्क प्लग बहुत हाई हीट रेसिस्टेंट रहता है, यानी कि उसे हीट से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पार्क प्लग गैप इरिडियम स्पार्क प्लग का बार बार बदलता नहीं है और बदलने की वजह से स्पार्क्स में इफेक्ट नहीं पड़ता। जब स्पार्क में इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो इंजन का जो स्पार्क प्लग है, जैसा आप नया लेके आए थे, वो वैसे ही बहुत टाइम तक वर्क करता है। देखिए, लोग माइलेज पर बहुत फोकस करते हैं, तो सबसे पहले आइए माइलेज का ही टॉपिक खोलते हैं। यहाँ पे माइलेज के बारे में बात करता हूँ तो माइलेज में इंक्रीमेंट तो आया, यानी कि बढ़ा है माइलेज। अब लोग ये बोलेंगे कि स्पार्क प्लग देखो तुम अच्छा लगाओगे तो पेट्रोल ज़्यादा जलेगा, तो माइलेज कैसे बढ़ सकता है। माइलेज बढ़ने का मतलब यह है कि जब स्पार्क प्लग अच्छा होगा तो फ्यूल कंप्लीट कंबशन फ्यूल का हो जाएगा। जब कंप्लीट कंबशन होगा तो गाड़ी का जो है कम फ्यूल में ही वो ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर पाएगी और ज़्यादा फ्यूल की उसे ज़रूरत लगेगी नहीं। तो इसलिए अच्छे स्पार्क प्लग्स में कंपनीज भी यही बोलती हैं कि स्पार्क प्लग सही इंटरवल पर चेंज करें अगर आपको एक अच्छा माइलेज चाहिए तो। यानी कि 5 से 6 kmpl का इंक्रीमेंट आ चुका है। मैक्सिमम माइलेज एफजी से मैं गेन कर चुका हूँ 58 kmpl का इरिडियम स्पार्क प्लग लगने के बाद। अगर आप ये डिमांड करते हैं मुझसे कि इरिडियम स्पार्क प्लग के बाद मैं एक माइलेज टेस्ट वीडियो बनाऊं, तो वो भी मैं बना दूंगा डेफिनेटली। कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम आईडी पर भी आप मुझसे बोल सकते हैं। अच्छा, ये जो स्पार्क प्लग है ये मैंने खरीदा है अमेजोन से। बेस्ट बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको परचेस कर सकते हैं। तो हर स्पार्क प्लग का एक पर्टिकुलर कोड रहता है जिससे वो डिफाइंड रहता है, यानी कि उसके थ्रेड्स, उसका साइज, रेडियस, ये सब चीज़ें जो है डिफाइंड रहती हैं। तो एफजी का जो कोड है वो है CPR8EA9। ये जो कोड है ये यूजर मैनुअल में लिखा हुआ है। जो स्पार्क प्लग मैंने लगाया है एफजी का स्पार्क प्लग का ही आपको नीचे लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको दूसरी बाइक का स्पार्क प्लग चाहिए तो पहले आप यूजर मैनुअल में उसका कोड देखिए, क्या कोड लिखा है उस पर, वो कोड देखिए, उसके बाद ही आप सेम कोड का स्पार्क प्लग ऑर्डर करिए। बेस्ट बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगली चीज़ ये है कि परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। परफॉर्मेंस पे क्या फ़र्क आया, कुछ इंक्रीमेंट लगा नहीं लगा? देखिए, परफॉर्मेंस पे फ़र्क आया है लेकिन वो उतना नोटिसेबल नहीं है। माने कि आप ऐसा सोचें कि एकदम से परफॉर्मेंस जो है ज़्यादा नोटिसेबल हो जाए, एकदम से बढ़ जाए परफॉर्मेंस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परफॉर्मेंस में एक स्मॉल इंक्रीमेंट आया है, थोड़ा सा परफॉर्मेंस बढ़ गया है। जो जैसे सेकंड गियर पर पहले जो टॉप स्पीड थी वो थी 65-62 के आसपास, तो अब वो 67-68 हो गई है। गाड़ी का जो है एक्सेलरेशन बढ़ चुका है। टॉप स्पीड टेस्ट अभी तक मैंने नहीं करा, टॉप स्पीड टेस्ट करूंगा तो उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। अगली चीज़ ये कि राइड क्वालिटी ओवरऑल इंप्रूव कर दी है स्पार्क प्लग लगाने के बाद। राइड क्वालिटी इंप्रूव होने से मानना यह है कि जो कॉपर स्पार्क प्लग रहता है उसमें कभी कभी मिस फायरिंग हो जाती है। खैर, एफआई वाली गाड़ी में मिस फायरिंग होना एक अच्छी बात नहीं है और नहीं होती थी मेरी एफजी में भी, लेकिन अगर आप एक कार्बोरेटेड व्हीकल चलाते हैं तो उसमें मिस फायरिंग होती रहती है। लगभग वो मिस स्पार्किंग की वजह से होती है, यानी कि स्पार्क टाइमिंग गलत हो जाती है तो उससे मिस फायरिंग जो है गाड़ी में हो जाती है। लेकिन अगर आप इरिडियम स्पार्क प्लग लगाते हैं तो उसकी स्पार्क टाइमिंग बहुत एक्यूरेट होती है, जिससे मिस फायरिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगली चीज़ ये कि इंजन बहुत स्मूथ हो जाता है। अब आप ये बोलेंगे स्पार्क प्लग से इंजन स्मूथ होने का क्या मतलब है? इंजन स्मूथ होने का मतलब ये है कि स्पार्क प्लग जो है वो सही टाइम पर फ्यूल को जलाएगा, फ्यूल कंप्लीट कंबशन हो जाएगा फ्यूल का, जिससे पावर आपको अच्छी मिल जाएगी और नॉकिंग नहीं होगी। यानी कि नॉकिंग ना होने से आपकी राइड क्वालिटी ओवरऑल इंप्रूव हो जाएगी, वाइब्रेशंस भी इंजन में कम हो जाएंगे। अगली चीज़ ये कि इरिडियम स्पार्क प्लग की लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा रहती है। इरिडियम स्पार्क प्लग की लाइफ स्पैन कंपनीज जो हैं, एनजीके का लगाया है मैंने, ये कंपनीज क्लेम करती हैं 1,25,000 माइल्स। अगर आप माइल्स को कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर्स में तो वो 200,000 किलोमीटर के भी ऊपर चला जाता है। 200,000 किलोमीटर यानी कि एक तरह से आप ये मान सकते हैं कि वो लाइफ टाइम स्पार्क प्लग हो गया, क्योंकि 200,000 किलोमीटर कोई इंसान बाइक नहीं चलाता, और चलाता भी होगा तो उसके लिए वर्थ है वो स्पार्क प्लग, क्योंकि वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दे रहा है। आपको माइलेज भी मिल रहा है, परफॉर्मेंस भी मिल रहा है।
अगली चीज ये कि पिस्टन पर जो है कार्बन जमता है, जब फ्यूल कंबशन होता है तो इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से कार्बन जम जाता है पिस्टन पर, तो कार्बन जमने से इंजन की लाइफ स्पैन कम हो जाती है, वेयर एंड टेयर थोड़ा होने लगता है, फिर कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता। फिर लोग कार्बन क्लीनर्स और ये सब चीजें जो है फ्यूल में मिक्स करके डालते हैं, लेकिन वो भी इतनी इफेक्टिव नहीं होती। तो उससे अच्छा है कि पहले से ही आप प्रिवेंशन करके चलें कि कार्बन ना जमे ज्यादा और इंजन की लाइफ स्पैन भी अच्छी रहे। तो जब कंप्लीट कंबशन इरिडियम स्पार्क प्लग करेगा तो उससे कार्बन नहीं जमेगा। अब लोग ये बोलेंगे कि तुम इरिडियम स्पार्क प्लग की बात कर रहे हो, कंपनी कॉपर स्पार्क प्लग ही क्यों फिट करके देती है? कॉपर स्पार्क प्लग कंपनी इसलिए फिट करके देती है क्योंकि कॉपर स्पार्क प्लग की कंपनी को कॉस्ट पड़ती है 50 से 60 रुपए और इरिडियम स्पार्क प्लग की कॉस्ट होती है उससे 10 गुना ज्यादा, यानी कि उत्ते में आप 10 स्पार्क प्लग खरीद सकते हैं। कॉपर स्पार्क प्लग आप 10 खरीद सकते हैं, 600 रुपए का ये स्पार्क प्लग था। तो इसलिए कंपनी कॉस्ट कटिंग करने के लिए बहुत सी चीजें जो है ऐसे कर देती है। लेकिन कॉपर स्पार्क प्लग मैं ये नहीं बोलूंगा बुरा है, कॉपर स्पार्क प्लग भी आपको परफॉर्मेंस देगा, माइलेज देता है, ऐसी बात नहीं है कि माइलेज नहीं मिलता, लेकिन इरिडियम स्पार्क प्लग उसको और बेटर बना देता है और उसके बाद इंजन की लाइफ स्पैन भी इंप्रूव हो जाती है, मिस टाइमिंग मिस फायरिंग नहीं होती। लास्ट एडवांटेज स्पार्क प्लग का ये है कि मैं आपको बता चुका हूँ लॉन्ग लाइफ स्पैन है, तो इसको आपको बार बार खोल के चेक नहीं करना है इंजन में कि साफ करना है, ये करना है, वो करना है, मतलब कोई झंझट ही नहीं है स्पार्क प्लग में। आप एक बार लगाइए और उसके बाद भूल जाइए कि कोई स्पार्क प्लग आपको बदलना है, चेंज करना है, कुछ भी करना है। यानी कि 10 से 12 हज़ार किलोमीटर पर आप कॉपर स्पार्क प्लग चेंज करते थे, लेकिन ये स्पार्क प्लग अगर कंपनी 2 लाख बोलती है तो 1 लाख किलोमीटर भी बहुत है, तो मुझे वर्थ लगाइए इस प्राइस के हिसाब से, और 600 रुपये का ये स्पार्क प्लग है। कौन यानी कि डिसएडवांटेज के बारे में बात करूं तो डिसएडवांटेज इसका एक ही है इरिडियम स्पार्क प्लग का कि ये कॉस्टली होते हैं, यानी कि इतने में 8 से 10 स्पार्क प्लग आ सकते हैं आपके कॉपर, लेकिन क्योंकि इरिडियम स्पार्क प्लग में माइलेज अच्छा मिलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि माइलेज का जो इंक्रीमेंट है वो कॉम्पनसेट हो जाएगा इसकी कॉस्ट में। यानी कि 600 रुपये का पेट्रोल तो आप बचा ही लेंगे अगर आप 50,000 किलोमीटर स्पार्क प्लग पर गाड़ी को चला भी देते हैं, तो माइलेज भी आपको मिल रहा है, परफॉर्मेंस भी मिल रहा है, राइड क्वालिटी ओवरऑल इंप्रूव हो गई है, तो मुझे वर्थ लगा, कॉस्ट का इतना बड़ा कोई डिसएडवांटेज है नहीं। और उसकी अगली चीज़ मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे ऐसा डाउट था ये कि इरिडियम स्पार्क प्लग जो है जब मैं लगाऊंगा तो ये जब स्पार्क ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी इंजन में, लेकिन ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं कि हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, नॉर्मल ऑप्टिमम हीटिंग हैगी। बेस्ट बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो करके आप वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं जिससे आपको अपडेट्स मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें बिना ना जाएं। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियो।